हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 12 7.1 का क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 और इस पूरे के डिवाइड में हमारा रूट एक्स। ओके, और इसको करना है x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट। ओके, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है बट बहुत ही ईजी है। कैसे करना है सिंपल मेथड बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप नोट करते रहना। तो क्या है हमारा सिंपल, सेम हमने जो पिछले 11 क्वेश्चन में किया था, हर एक टर्म को डिवाइड किया था, सेम इसमें भी करना है, रूट एक्स को हर एक टर्म के साथ डिवाइड करेंगे। ओके, तो क्या करना है, एक्स क्यूब डिवाइड बाय रूट एक्स। ओके, इसका अलग इंटीग्रेट कर देंगे, प्लस इसको इसके नीचे करेंगे तो 3 कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स अपॉन में रूट एक्स। ओके, प्लस 4 कांस्टेंट बाहर, इसको इसके नीचे रखेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1/√x। इसका भी हम कर देंगे इंटीग्रेट। ओके, हर एक टर्म को सिंपली हमने किया है। अगर इसका एक स्टेप और देखना है तो ये सिंपल हमारा क्या होएगा, एक्स क्यूब इंटीग्रेट करेंगे किसका, एक्स क्यूब रूट एक्स को एक्स क्यूब के नीचे लेके जाना है, प्लस 3x के नीचे भी हमें रूट एक्स को लेके जाना है, प्लस 4 के नीचे भी हमें रूट एक्स को लेके जाना है और इस पूरे का करना है इंटीग्रेट। ओके, ये स्टेप आएगा फर्स्ट, उसके बाद ये लिख सकते हो, या डायरेक्ट भी ये लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्या करना है, अब यहाँ देखो हमें क्या करना है, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब इसका क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/2, रूट एक्स को हम यही बोलते हैं, 1x की पावर 1/2, प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1 है यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2। ओके, प्लस 4, इसका क्या हो जाएगा, 1x की पावर 1/2। ओके, अब क्या करना है, ये इंटीग्रेट dx साथ में लिखते रहना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो अब क्या करना है, अब देखो हमें पता है जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या होती है, माइनस। ओके, तो सेम यहीं पर भी करना है ये, तो यहाँ क्या है, एक्स क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, 1/2। ओके, बस यहाँ पर ये देखना है, प्लस 3, ये एक्स टू द पावर 1 है और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। ओके, प्लस 4, यहाँ पे एक्स का कोई टर्म नहीं है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर -1/2। ओके, ये समझ आ गया, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव उसकी पावर। अब इसको भी इंटीग्रेट कर दो। ओके, ये आ गया। अब सिंपल क्या है, इसको सॉल्व कर देंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या करना है, अभी देखो एक्स है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, क्या है हमारा, 3 -1/2। तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा हमारा, 2, और 2 इसके करेंगे तो ये 6 माइनस, यानी कि आंसर आएगा हमारा 5/2। तो एक्स की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 5/2 पावर। ओके, प्लस 3 कांस्टेंट हम एज इट इज, प्लस ये देखो 1 में से जब 1/2, यानी कि 1 में से हम हाफ माइनस करें तो कितना बचेगा, हाफ, वो भी किसका, पॉजिटिव। ओके, तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। प्लस 4, इसको अभी एज इट इज छोड़ो, क्या है, एक्स की पावर -1/2। अब क्या करना है, अब डायरेक्ट कर देना हमें इंटीग्रेट हर एक टर्म को। ओके, तो कैसे करना है ये देखो, अब हमारा जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेट का, वो क्या होता है, एक्स की जो पावर होती है इसमें 1 ऐड कर देते हैं और डिवाइड में भी वही लिखते हैं। तो क्या है पावर इसकी, 5/2। इसमें क्या करना है, प्लस 1, और नीचे भी क्या आएगा, 5/2 प्लस 1। ओके, ये इसका हो गया, प्लस 3, इसका क्या आएगा, एक्स की पावर 1/2 है तो इसमें भी प्लस 1 करेंगे हम, सेम नीचे भी आ जाएगा प्लस 1। ओके, प्लस 4, इसका क्या करेगा, एक्स की पावर यहाँ पर कितना है, 1/2, तो और हमें क्या करना है, माइनस का 1/2 है तो एक और क्या करना है हमें, प्लस 1, नीचे भी सेम आएगा, माइनस का 1/2 प्लस 1। ओके, ये आ गया, अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है, x की पावर है हमारा 5/2 + 1। तो सिंपल साइड में सॉल्व करके देख लेते कितना आता है, तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे हमारा 2। ओके, ये 5 प्लस ये एलसीएम से 2 डिवाइड करेंगे, 2, तो कितना है हमारा सिंपल, 7/2। तो x की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, 7/2, तो नीचे भी 7/2। ओके, प्लस ये 3 एज इट इज, इसकी पावर कितनी होगी, 1/2 + 1। ओके, कितना आएगा हमारा, x की पावर 3/2, सेम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 3/2, कैसे आएगा, एलसीएम लेंगे हमारा 2 आएगा, इसको इससे करेंगे, 2 + 1, 3/2। ओके, अब देखो प्लस 4, ये देखो माइनस का 1/2 + 1,
तो जैसे हमने ऊपर किया था यहाँ पर माइनस किया था इस वाले में, तो सेम यहाँ पे क्या करना है, वन में से माइनस वन बाई टू करना है, कितना बचेगा वन बाई टू एक्स की पावर वन बाई टू, और नीचे भी कितना आ जाएगा वन बाई टू। ओके, अब जो नीचे वाले टर्म के हुआ हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या रहेगा, जब इस वाले टर्म को हम ऊपर लेके जाएंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा टू बाई सेवन, और ये हो जाएगा सिंपल एक्स की पावर सेवन बाई टू, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा थ्री है ये ऑलरेडी, और ये क्या हो जाएगा टू बाय थ्री, और ये एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू, प्लस फोर एजिटर्स रहेगा, ये क्या हो जाएगा टू बाय वन, और ये एक्स टू दी पावर वन बाय टू। ओके, सिंपल हमने क्या किया है, जो नीचे की वैल्यू हमने इनको ऊपर ले गया ले जाकर सॉल्व करिए, तो इसका देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं कटेगा, तो यहाँ क्या रहेगा टू बाय सेवन एक्स की पावर सेवन बाय टू, प्लस यहाँ थ्री से थ्री कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर टू एक्स की पावर थ्री बाय टू। ओके, प्लस यहाँ कितना बचेगा, ये हो जाएगा फोर इंटू टू एट। ओके, कितना हो जाएगा एट, और ये वन है तो वन को लिखना ज़रूरी नहीं है, और ये हो जाएगा एक्स की पावर वन बाय टू। अब देखो वन बाय टू हम इसको रूट भी लिख सकते हैं, तो रूट भी लिख सकते हो या वन बाय टू भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, साथ में लिख देना प्लस सी जो कि हमारा कॉन्स्टेंट टर्म होता है। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, नोट कर लेना, अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का डाउट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू।